बहुत सारे लोग अपना आपा खो बैठते हैं, अपना नजरिया गंदा कर लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते वो लोग, और एकदम बोल देते हैं यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से होने वाला नहीं है, और अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर लेते हैं। जब वो ज्वाइन हुए थे तो पक्का उन्हें विश्वास था कि मैं 100% इस बिजनेस में डायमंड जाऊंगा, लेकिन उन्होंने 2-4 दिन देखा कि कोई उनके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है और एटीट्यूड उनका निगेटिव हो गया। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दूसरी चीज क्या है? एटीट्यूड, पॉजिटिव रखना है। कैसा रखना है? हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट, और लगातार लगातार सीखते रहना है। और नेक्स्ट, लगातार मेरे साथ काम हुआ नहीं हुआ, मैंने पेशेंस रखा। मैं आर्मी में था, ग्लोब फोर्स हेडक्वार्टर शरीफाबाद, श्रीनगर से आगे पोस्टिंग हो गई। वहां पे बहुत सारे लोगों ने टॉर्चर किया मेरे को, जो भी मेरे सीनियर थे, बोला कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी अपलाइनों से बात करता था वो बोलते थे पेशेंस रखो विकास, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारे साथ काम होगा। लगातार फोन के माध्यम से बहुत सारी किताब लेके गए, किताब में पढ़ता रहा, कई सारे लोगों से बात करता रहा और हॉनेस्ट रहा। तो मैंने जहां पर मोबाइल नहीं चला सकते, जहां पर वहां पर लैपटॉप नहीं चला सकते, वहां पर नेट काम नहीं करता, वहां पर कोई भी एसबीआई बैंक नहीं है, वहां से मैंने 2 महीने के अंदर अंदर 85 लोगों को ज्वाइन करा दिया था, 85 लोगों को। और बहुत सारे लोग आर्मी से हैं, मैं 2010 में पोस्टिंग था वहां पे, क्लो फोर्स हेडक्वार्टर पूछ लेना। और मैं जो आईएनटी की ऑफिस थी उसमें रनर था, जहां पर आईएनटी का अफसर बैठता था और 3 हवलदार थे आईएनटी के, मैं वहां पर रनर था। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर 85 लोगों को ज्वाइन कराया था लगभग। सिर्फ एक ही चीज, पेशेंस रखा। कई सारे लोगों ने मजाक बनाया, अपने एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, लगातार सीखा कि इन लोगों को कैसे ज्वाइन कराया जा सकता है, ईमानदार रहा, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया।